सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को अपन बात करेंगे, फ्लावरिंग प्लांट्स की, ओनली फ्लावरिंग प्लांट्स की। फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से हैं? दैट इज एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म में अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। फ्लावर अपन ने देखा था, फ्लावर शो द रिप्रोडक्टिव फेज या मैच्योर फेज, फ्लावर शो मैच्योर फेज और रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ साइकिल। जो फ्लावरिंग प्लांट है उसमें फ्लावर क्या शो करेगा? इट इज द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ साइकिल। जो लाइफ साइकिल की रिप्रोडक्टिव फेज है उसकी बिगिनिंग को शो करेगा फ्लावर्स। इफ वी सी द फ्लावर ऑन द प्लांट वी कैन से दैट रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ दैट प्लांट हैज स्टार्टेड। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में वी कैन सी, वी कैन रिकॉग्नाइज द रिप्रोडक्टिव फेज इजिली बाय द हेल्प ऑफ फ्लावर्स। तो फ्लावर्स क्या खास बात है? फ्लावर्स आर द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर्स आर द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसकी साइट क्या होगी? देयर आर फ्लावर्स। दीज फ्लावर्स आर एक्चुअली साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसे बनेगा फ्लावर? फ्लावर कैसे बनेगा? सबसे पहले बनेगा फ्लोरल मेरिस्टेम। फ्लोरल मेरिस्टेम, मेरिस्टेम इज डिफरेंशिएटेड इनटू द फ्लोरल मेरिस्टेम। दिस फ्लोरल मेरिस्टेम, ये चेंजेस किसके अंतर्गत होंगे? ये चेंजेस होंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हॉर्मोन्स। दिस फ्लोरल मेरिस्टेम इज कन्वर्टेड इंटू फ्लोरल बड। ये बड बनाएगा। दिस बड फाइनली फॉर्म द फ्लावर। दीज चेंजेस दैट इज फ्लोरल मेरिस्टेम, मेरिस्टेम से पहले फ्लोरल मेरिस्टेम बना। दिस फ्लोरल मेरिस्टेम विल फॉर्म द फ्लोरल बड एंड दिस फ्लोरल बड फॉर्म द फ्लावर। दीज चेंजेस आर अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ हॉर्मोन, अंडर द influence of plant hormone. So flowering is under the influence of plant hormone. पहले floral meristem बनेगा, पहले normal meristem से क्या बनेगा? Floral meristem. Then there is formation of floral bud and finally there is formation of flowers. Flowers are object of कल्चरल वैल्यू एज ए, अपनी कल्चर में कस्टम में फ्लावर्स को यूज किया जाता है। जब मैरिज होती है तो फूलमाला पहनाई जाती है। दैट इज कल्चरल वैल्यू ऑफ फ्लावर। फ्लावर आर ऑब्जेक्ट ऑफ ऑर्नामेंटल वैल्यू। ऑर्नामेंटल वैल्यू मीन्स दे आर यूज फॉर डेकोरेटिंग, दे आर यूज फॉर डेकोरेटिंग। सो फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट ऑफ ornamental value. Flowers are object of religious value. Religious value क्या होगा बच्चों? Flower को अपन ईश्वर को समर्पित करते हैं, फ्लावर चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। That is religious value of these flowers. These flowers are used for worship of the God. भगवान की पूजा के लिए अपन different flowers को यूज करते हैं। तो दीज, दिस इज द रिलीजियस वैल्यू ऑफ फ्लावर। अब डिफरेंट फीलिंग्स को कन्वे करने के लिए भी फ्लावर्स यूज किए जाते हैं। आपको पता है डिफरेंट फीलिंग्स को कन्वे करने के लिए भी फ्लावर्स को यूज किया जाता है। अगर सैडनेस की फीलिंग को कन्वे करना है तो व्हाइट फ्लावर्स आर यूज फॉर दैट। तो आप लोगों को पता है फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट ऑफ कल्चरल वैल्यू, ऑर्नामेंटल वैल्यू, रिलीजियस वैल्यू, एस्थेटिक वैल्यू।
तो डिफरेंट फीलिंग्स को शो करने के लिए फ्लावर्स का यूज किया जाता है. तो फ्लावर्स आर ए वेरी इम्पोर्टेंट वैल्यू इन अवर डेली लाइफ. फ्लावर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है अपनी डेली लाइफ में. दैट्स वेयर फ्लावर्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट. इसलिए फ्लावर्स को कहा जाता है, फ्लावर्स आर कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स, दैट इज वंडर. So because of their beauty and their significance, these flowers are called as morphological and embryological marvels. Flowers are called as morphological and embryological marvels because of their beauty and their significance. लिख लिया बच्चों आप लोगों ने? यस सर. यस सर. देखो तो आप मेरे को ये बताओ, व्हाट आर द यूज ऑफ फ्लावर्स इन डेली लाइफ? कहाँ कहाँ यूज करते हो आप लोग फ्लावर्स का? टेंपल्स में. टेंपल्स में यूज करते हैं. और तो देखो बिल्कुल पिगमेंट्स के लिए भी यूज करते हैं. फ्लावर से आप तरह तरह के कलर्स बना रहे हो. होली के कलर्स भी फ्लावर से बनते हैं. और बताओ परफ्यूम्स. परफ्यूम्स के लिए, फ्रेग्रेंस के लिए भी यूज करते हो. तो देखो एक एनसीईआरटी ने स्टेटमेंट दे रखे, द फ्लावर्स आर यूज फॉर conveying the various human feelings. For example, love, affection, happiness, sadness and mourning. So, आप लोग देखते हो वाइट कलर फ्लावर्स, दे आर यूज फॉर शोइंग द सैडनेस एंड सिंपैथी. सैडनेस एंड सिंपैथी को शो करने के लिए देखो आपको एक एक स्टेटमेंट एनसीईआरटी का आना चाहिए. इसलिए मैं बोल रहा हूँ सैडनेस को शो करने के लिए वाइट फ्लावर्स आर यूज, ठीक है. लव एंड अफेक्शन शो करने के लिए रेड रोज या रेड कलर या पिंक कलर फ्लावर्स आर यूज फॉर दैट पर्पस, ठीक है. तो फ्लावर्स हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ. दैट्स वे दे आर कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स. क्यों? क्योंकि फ्लावर्स आर द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. छोटा सा फ्लावर है, इट विल स्टार्ट द न्यू जनरेशन. इस फ्लावर की वजह से नेक्स्ट जनरेशन स्टार्ट हो रही है. एंड दिस फ्लावर अट्रैक्ट अस बिकॉज ऑफ देयर ब्यूटी. सो फ्लावर आर वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ. तो हम फ्लावर को अच्छे से स्टडी करेंगे, कैसे बना फ्लावर अपन अभी देखते हैं. देखो मैंने आपको कहा फ्लोरल मेरिस्टेम बनेगा, किससे बनेगा? देखो मेरिस्टेम कौन कौन से टाइप के होते हैं आपको पता है. यहां जो मेरिस्टेम है दिस इज एपिकल. एपिकल मेरिस्टेम है क्या? नहीं. यस सर. दिस एपिकल मेरिस्टेम इज कन्वर्टेड इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम. फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट होगा, फिर ये फ्लावर बड बनाएगा, फिर ये फ्लावर बनाएगा, ठीक है. तो अगर मैं कहूं ये शूट है, दिस इज शूट. अगर ये शूट पर ये आप देखो, दिस इज शूट या स्टेम, ये स्टेम है. इस पर लीव्स प्रेजेंट है, वन इस पर लीव्स प्रेजेंट है, ठीक है. तो आप लोग देखो अगर मैं इसको कॉम्पैक्ट कर दूं, अगर मैं इसको यहां से कॉम्प्रेस करूं, कैसे? देखो आप लोग अगर इस पर लीव्स प्रेजेंट है, तो
जो नोड्स हैं नोड्स पे डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट है, शूट के नोड्स पे डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट है. इफ आई कंप्रेस द एक्सिस, तो ये क्या है, ये तो इंटरनोड है, दिस इज इंटरनोड, और जहां ये अपेंडिजेस प्रेजेंट है दैट इज नोड. नोड पर ये लीव्स प्रेजेंट है, ये जो स्टामक्स लग रहा है आपको ये प्रेजेंट है. अपन एज्यूम कर रहे हैं इस तरह शूट पर ये पार्ट्स प्रेजेंट है. इफ वी कंप्रेस दिस एक्सिस, इस एक्सिस को मैं कंप्रेस कर दूं, तो देखो क्या बन जाएगा, फ्लावर बनेगा कि नहीं बनेगा. क्या फ्लावर बनेगा कि नहीं बनेगा इससे, देखो. तो मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया, इस एक्सिस को कंप्रेस किया है, नोड के बीच की डिस्टेंस कम हो गई है ज्यादा हो गई है, कम हो गई है. इसका मतलब इंटर नोड की लेंथ डिक्रीज हो गई है. इंटर नोड की लेंथ क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है. नोड बिकम close to each other, inter node की length जो है, inter node की length decrease हो गई है, and nodes come close to each other, nodes pass आ गए हैं, nodes pass आ गए हैं, तो एक stem से भी क्या बन गया है, flower बन गया है. तो this concept was given by professor Goethe, the professor Goethe given the concept that flowers are modified shoot. Professor Goethe ne kya kaha, Professor Goethe gave the concept that flowers are modified shoot. Flower kisse bane hai, shoot se hi bane hai, stem se bhi bane hai. Kaise stem se bane hai, due to the compression of axis, nodes come close to each other and internode length is decreased, highly reduced, and nodes come close to each other and flowers are formed. So we can say that flowers are modified shoot or stem. Yes or no? Yes sir. So flower kisse bani hai, flower apical meristem bana. This converted into floral meristem, flowers के different part बने, compression हुआ, है? तो ये concept कहाँ से आए? तो flower के लिए अलग से कुछ नहीं चाहिए, they are formed of the normal stem भी बनते हैं, क्यों? Because flowers are modified stem or shoot, जो aerial part है plant का, उसी पे flower बन रहे हैं, due to the compression of axis. तो this concept was given by Professor Goethe. लिख लिया आप लोगों ने? This is flower. तो flower देखो कैसे बना होगा, flower कैसे बना होगा, flower is made up of four whorls, four चक्रों से बना है, four चक्र से बना हुआ है, outer most चक्र, देखो चार चक्र से बना हुआ है flower, ये मैं बना रहा हूं, ये एक चक्र है, ठीक है, इसके नीचे भी एक चक्र बढ़ जाते हैं, इसके ऊपर भी एंथर्स का एक चक्र प्रेजेंट है, फिर एक गाइनोशियम प्रेजेंट है. तो फ्लावर इज मेड अप ऑफ फोर वर्ल्स, फोर वर्ल्स से बना है, आउटर मोस्ट वर्ल इज कॉल्ड एज
इसको अपन कहेंगे कैलिक्स. द आउटर मोस्ट वर्ल्ड इज कॉल्ड एज कैलिक्स. इसको अपन ने कह दिया कैलिक्स. इसके बाद दिस कैलिक्स इज ग्रीन इन कलर. ग्रीन इन कलर. दिस कैलिक्स इज ग्रीन इन कलर. एंड ईच मेंबर ऑफ दिस कैलिक्स this calyx is green in color and each member of this calyx is called as sepal. each member of this calyx is called as sepal. to ye bhi ek sepal hai, ye bhi ek sepal hai. sabhi sepal ko mila ke main kya kar dunga, calyx kahunga ke nikalega. to jo sabse bahar wala chakra hai, outermost wall is called as calyx. Then second whorl, this is second whorl, it is called as corolla. It is colorful. Colorful matlab other than green color. So it is colorful, bright in color, and each member of corolla is called as petal. The third whorl is called as androecium. This third whorl of called as androecium. जो third चक्र है उसको अपन androecium कहेंगे. Each member of androecium is called as stamen. Each member of androecium is called as stamen. The innermost whorl is called as gynoecium, and each member of gynoecium is called as carpel or pistil. Carpel or pistil. So every flower is made up of four whorls. चार चक्रों से बना है. This is outermost whorl, that is calyx. Then second whorl corolla, then third whorl androecium. Innermost whorl is gynoecium. इनके अलग अलग each member, calyx का each member that is sepal, corolla के each member को कहेंगे petal, androecium के each member को कहेंगे stamen, and gynoecium के each member को कहेंगे carpel. अब this is called as stalk. जिससे flower किसी पर attach रहेगा, this stalk like structure is called as pedicel. इसको कह दिया pedicel. And this upper swollen part of pedicel, जो ऊपर का फूला हुआ part है pedicel का, that is called as thalamus. This upper swollen part of pedicel is called as thalamus. आप लोग सुन पा रहे हो बच्चों? यस सर. यस सर. यस सर. ओके वेरी गुड. लिख लिया आप लोगों ने? यस सर. यस सर. देखो ये अपन ने फ्लावर की स्ट्रक्चर देखी. अब इसमें देखेंगे डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उनका क्या रोल है. देखो बच्चों, अपन ने कह दिया और वर्ल से बना है. वर्ल के इनका जो चक्र है, जो चक्र इनका है, दैट इज वर्ल. ये सबसे बाहर वाला दैट इज ग्रीन इन कलर कैलिक्स. उसके बाद में सेकंड चक्र होगा कलरफुल. कलरफुल लीव्स का पैर चक्र होगा, उसको कहेंगे दैट इज कॉल्ड एज कोरोला. ये कोरोला हो गया. उसके बाद दीज आर द स्टाम्स. स्टाम्स निकले रहेंगे इस तरह से, स्टाम निकले रहेंगे. एंड इन द सेंटर इनर मोस्ट वर्ल इज
गाइनोशियन। अब देखो इनमें जो कैलिक्स है दैट इज ग्रीन इन कलर, कोरोला इज कलरफुल एंड ब्लाइट। दीज कैलिक्स एंड कोरोला डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्शन। दिस कैलिक्स एंड कोरोला डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्शन। सो दीज ऑर्गन या दीज वर्ल्स आर कॉल्ड एज असेसरी। वॉल, असेसरी वॉल कह दो या इसको कह दो स्ट्राइल वॉल। असेसरी वॉल फॉर स्ट्राइल वॉल एंड बट दीज एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम दीज टू वॉल्स पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्शन। दीज आर कॉल्ड एज नेसेसरी और रिप्रोडक्टिव और फर्टाइल वॉल। तो दो टाइप के वॉल हो गए, असेसरी वॉल दैट हेल्प्स इन द रिप्रोडक्शन, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन, ये कोई डिमिट नहीं बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज असेसरी वॉल और स्ट्राइल वॉल। बट द एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्शन, दैट आर कॉल्ड एज नेसेसरी वॉल, रिप्रोडक्टिव वॉल और फर्टाइल वॉल। लिख लिया बच्चों? यस सर। दिस एंड्रोशियम इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर, दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर एंड दिस गाइनोशियम इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। तो एंड्रोशियम इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर एंड गाइनोशियम इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। सो दीज एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्शन, दे डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो दीज टू वॉल्स आर कॉल्ड एज नेसेसरी और रिप्रोडक्टिव वॉल एंड फर्टाइल वॉल, दे आर कॉल्ड एज फर्टाइल वॉल बिकॉज दे फॉर्म द गेमिट्स। अब देखो ये आपने देख लिया पेडिकल के, पेडिकल इज स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर, ये फ्लावर है, ये किसी ब्रांच से अटैच है, स्टेम से अटैच है, तो स्टेम पर जिस स्टार्क से अटैच है दैट स्टार्क इज कॉल्ड एज पेडिकल, उसको पेडिकल कह दिया। एंड द अपर पोर्शन या अपर स्वोलन पार्ट ऑफ दिस पेडिकल दैट इज कॉल्ड एज थैलेमस, उसको अपन कहेंगे थैलेमस। आगे चले बच्चों? यस सर। चलो आगे चलते हैं, देखो अब इनके फंक्शन देखो, आप लिखो फर्स्ट, लिखो आप कैलिक्स, कैलिक्स आप पहले लिखो, ईच फ्लावर is made up of, each flower is made up of four whorls, each flower is made up of four whorls, the first is calyx, first whorl is calyx, the first whorl is calyx and this calyx it is outermost whorl, sabse outermost chakra hai, it is outermost whorl, each member is called as
कैलिक्स के एच मेंबर को आप कहोगे सेपल. दिस कैलिक्स इज ग्रीन इन कलर. आप किसी भी फ्लावर में देखोगे सबसे नीचे सबसे आउटर मोस्ट जो होगा दैट इज कैलिक्स ग्रीन इन कलर. अगर ये ग्रीन होगा कलर में तो एक तो इसका क्या काम हो गया, फंक्शन क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन इसके क्या हो गए, एक फंक्शन तो क्या होगा, इट इज प्रोटेक्ट द फ्लावर. प्रोटेक्ट द फ्लावर. जब फ्लावर बर्ड स्टेज में होता है, ये देखो ये जब फ्लावर बर्ड स्टेज में होगा तो सबसे आउटर मोस्ट जो फ्लावर को इस तरह से बर्ड को कवर करके रखता है तो बताओ वो किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है कि नहीं होता है. Yes, sir. Yes, sir. तो इन बर्ड स्टेज दिस कैलिक्स प्रोटेक्ट द फ्लावर. इन बर्ड स्टेज जो फ्लावर को बर्ड स्टेज में प्रोटेक्ट करता है दैट इज कैलिक्स. कैलिक्स प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बर्ड स्टेज. अब बताओ एक फंक्शन तो ये हो गया, सेकंड फंक्शन इट इज ग्रीन इन कलर, तो क्या फोटोसिंथेसिस करेगा? बिल्कुल करेगा. इट इज फोटोसिंथेटिक. इट इज फोटोसिंथेटिक. दिस कैलिक्स पार्टिसिपेट इन द फोटोसिंथेसिस. ये फोटोसिंथेसिस करेगा और फूड बनाएगा प्लांट के लिए. दिस पार्टिसिपेट इन फोटोसिंथेसिस. दीज आर द फंक्शन ऑफ कैलिक्स. अब अपन कैलिक्स के बाद सेकंड पे चलेंगे, तो दैट इज सेकंड बॉल इज कॉल्ड एज कोरोला. कोरोला इट इज प्रेजेंट इनर टू कैलिक्स. कैलिक्स के अंदर प्रेजेंट होगा, इनर साइड में प्रेजेंट होगा. ईच मेंबर को क्या कहेंगे बताओ बच्चों? ईच मेंबर इज पेटल. पेटल. एंड दिस कोरोला इज ब्राइट इन कलर. इट इज ब्राइट एंड कलरफुल. रेड कलर का होगा, येलो कलर का होगा, पिंक कलर का होगा. ब्राइट एंड कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर इज कोरोला. जो फ्लावर की ब्यूटी अपने को दिखती है दैट इज ड्यू टू द कोरोला. आप देखोगे जो फ्लावर गुड़हल के फ्लावर में देखोगे रेड कलर का दिखेगा. रोज जो रेड कलर का दिख रहा है, येलो फ्लावर जो येलो कलर दिख रहा है दैट इज ड्यू टू द कोरोला. दिस कोरोला इज ब्राइट एंड कलरफुल. ये ब्राइट होगा और कलरफुल होगा. अगर ये ब्राइट होगा और कलरफुल होगा तो बताओ इसका क्या फंक्शन होगा? अट्रैक्ट द बीज. हाँ, इट अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर पोलिनेशन. इट अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर पोलिनेशन. ये ब्राइट एंड कलरफुल होगा तो अट्रैक्ट करेगा ये इंसेक्ट्स को पोलिनेशन के लिए. अगर ये पोलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अगर अट्रैक्ट करेगा तो क्या ये हेल्प करेगा रिप्रोडक्शन में? बिल्कुल. इट हेल्प्स इन द पोलिनेशन ऑफ प्लांट, पोलिनेशन ऑफ दिस पोलन ग्रेन एंड हेल्प्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. The third whorl is androecium. The third whorl is androecium. Androecium क्या होगा बच्चों? देखो, it is male reproductive organ of flower. Male reproductive organ. Of flower, each member is called as stamen. Each member is called as stamen. Each stamen is made up of two parts. This stamen hai. This is stamen. And this stamen, this is proximal part. This is proximal part. This is distal part.
the proximal part of stamen is thin and filament like, this is called as filament, and the distal part is called as anther. It is bilobed. Distal part is bilobed, called as anther. The proximal part is slender, patla rahega, that is called as filament. So stamen ke two parts hoge, first is filament, that is second is anther. So batao proximal part kaun sa hoga, anther hoga ya filament hoga? Filament. Filament. Filament hoga. So filament jo proximal part rahega, it remain connected on the thalamus. ये कहाँ कनेक्ट रहेगा? ये थैलेमस पे कनेक्ट रहेगा, जहाँ रिमेनिंग वॉल्स अदर वॉल्स अटैच हैं. ये नॉर्मली कहाँ कनेक्ट रहेगा? इट रिमेन अटैच्ड ओवर द थैलेमस. लेकिन अगर ये थैलेमस पे अटैच नहीं हो, ये पेटल है, थैलेमस पे ये पेटल अटैच है, अगर ये थैलेमस पे अटैच नहीं होकर इस पेटल पे अटैच हो जाए तो क्या कहोगे बच्चों? देन दिस इज कॉल्ड एज एपिपेटलस. वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड एज एपिपेटलस. व्हेन दिस स्टामन रिमेन, नॉर्मली स्टामन रिमेन अटैच्ड ओवर द थैलेमस. यू कैन सी, लुक एट दिस साइड, नॉर्मली स्टामन रिमेन अटैच्ड ओवर द thalamus, but in condition when stamen remain attached over the petal, then this arrangement is called as epipetalous. This is called as epipetalous. एपिपेटलस स्टामन किसमें मिलेंगे बच्चों? एग्जाम्पल याद रखना, सोलेनेसी फैमिली. द फैमिली सोलेनेसी. जो सोलेनेसी फैमिली है, क्या क्या आ जाएगा? पोटैटो आ जाएगा इसमें, ब्रिंजल आ जाएगा, टोमेटो आ जाएगा. तो सोलेनेसी फैमिली इसमें क्या मिलेगा आपको? एपिपेटलस स्टामन आर एपिपेटलस. सोलनेसी फैमिली में क्या क्या आ जाएगा? पोटैटो आ जाएगा, ब्रिंजल आ जाएगा, टोमेटो आ जाएगा, चिल्ली आ जाएगी. तो दिस एपिपेटलस स्टामन्स आर फाउंड इन द फैमिली सोलनेसी दैट कंटेन द पोटैटो, ब्रिंजल, टोमेटो एंड चिल्ली. तो याद रखना, एपिपेटलस स्टामन इज प्रेजेंट इन द सोलनेसी फैमिली. अब देखो बच्चों, जो ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट रिमेन अटैच्ड इन विद द एंथर, एंड जहां ये अटैच रहेगा उसको कहेंगे कनेक्टिव. दिस फिलामेंट रिमेन अटैच्ड ओवर द एंथर बाय द हेल्प ऑफ कनेक्टिव. दिस कनेक्टिव कंटेन द वास्कुलर टिश्यू. दिस कनेक्टिव कंटेन द vascular tissue, and this vascular tissue supply the nutrient to the anther. Anther ko nutrient dega this vascular tissue that is present in the connective. Sir, हाँ बताओ. एक बार सर वापस समझाना सर, connective वाला. Connective है जहां ये अटैच होगा, इससे अटैच रहेगा. फिलामेंट इज अटैच्ड ओवर द एंथर बाय द हेल्प ऑफ कनेक्टिव. दिस कनेक्टिव ये पूरे यहां अटैच, पूरे में रहेगा, पूरे एंथर में यहां से यहां तक रहेगा. दिस कनेक्टिव कंटेन द वास्कुलर टिश्यू. द न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर इज सप्लाइड टू एंथर बाय द हेल्प ऑफ दिस वास्कुलर टिश्यू दैट आर प्रेजेंट इन द कनेक्टिव. लिख लिया बच्चों आप लोगों ने? यस सर. यस सर. आगे चलते हैं.
देखो ये मैंने बना दिया, दिस इज एंथर। अगर इस एंथर को मैं यहां से कट करूं एंड वी विल सी द पीएस ऑफ दिस एंथर, देन कैसे दिखेगा आपको, अभी देखते हैं इसको अपन देखेंगे तो कैसे दिखेगा। टिपिकल एंथर इज टेट्रागोनल इन शेप, इसकी शेप क्या है, टेट्रागोनल है, फोर टेट्रागोनल, फोर इसके कॉर्नर्स हैं, टेट्रागोनल इन शेप एंड इन टिपिकल एंथर टू लोब्स आर प्रेजेंट, दिस इज वन लोब, दिस इज टू लोब, दिस इज वन लोब, दिस इज सेकेंड लोब। तो टिपिकल एंथर इज बाइलोब्ड, typical anther is bilobed and in each lobe two pollen sacs are present, two microsporangia are present in each lobe, so each lobe is diathecous, diathecous means two microsporangia in each lobe, these are the microsporangia, these microsporangia are also called as pollen sac and these pollen sac are filled with the pollen grains, isme ye kya rahega, ye microsporangia it contain the microspore that will form the pollen grain। तो टिपिकल एंथर इज बाइलोब्ड डाइथिकस एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फोर माइक्रोस्पोरेंजिया इट इज कॉल्ड एज टेट्रास्पोरेंजिएट। कितनी माइक्रोस्पोरेंजिया है, फोर है क्या नहीं है, इट इज कॉल्ड एज टेट्रास्पोरेंजिएट। तो टिपिकल एंथर इज बाइलोब्ड डाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट, one sporangia is present at the each corner, so four sporangia are present, these sporangia contain the microspore, is sporangia mein bachcho microspore honge and these microspore when developed then they will form the pollen grain, so microspore sporangia mein honge wo kya banayenge, pollen grain banayenge and microsporangia contain the pollen grain, so microsporangia is called as pollen sac and this longitudinal groove, जो ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप प्रेजेंट है इसको कहेंगे स्टोमियम, स्टोमियम एंड दिस स्टोमियम इज लाइन ऑफ डेहिसेंस। क्या होता है लाइन ऑफ डेहिसेंस, अभी बताता हूं, द लाइन ऑफ डेहिसेंस इज लाइन ऑफ बर्स्ट। जो दिस एंथर है, जो एंथर है दैट एंथर विल बर्स्ट फ्रॉम दिस साइड एंड दिस साइड, केवल यहां से बस्ट करेगा और ये पोलर ग्रेन यहां से रिलीज होंगे, जो ये बस्ट यहां से होगा दिस साइट इज कॉल्ड एज स्टोमियम, दिस इज लाइन ऑफ डेहिसेंस या लाइन ऑफ बस्ट ऑफ द एंथर, एंथर यहीं से बस्ट करेगा एंड पोलन ग्रेन रिलीज करेगा। एंड मैंने आपको बताया था जो फिलामेंट है इट इज कनेक्टेड विद द एंथर बाय द हेल्प ऑफ कनेक्टिव, दिस कनेक्टिव इज प्रेजेंट ऑल ओवर द एंथर, एंथर में पूरे में यहाँ कनेक्टिव प्रेजेंट रहेगा, दिस कनेक्टिव कंटेन द वास्कुलर टिश्यू, ये कनेक्टिव है इट कंटेन द वास्कुलर टिश्यू, दिस वास्कुलर टिश्यू सप्लाई द न्यूट्रिएंट टू डेवलपिंग एंथर, जो एंथर डेवलप कर रहा है डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स है उनको न्यूट्रिशन कौन देगा, दिस कनेक्टिव विल प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू एंथर, दिस इज एंथर। टिपिकल एंथर इज बाइलोब, दिस इज वन लोब, दिस इज सेकेंड लोब, दो लोब दिख रहे हैं, टिपिकल एंथर इज बाइलोब एंड टिपिकल एंथर इज टेट्रागोनल इन शेप, इसकी शेप देखो टेट्रागोनल है क्या नहीं है बताओ, इन ट्रांसवर्स सेक्शन एंथर इज टेट्रागोनल इन शेप एंड इट इज बाइलोब, टू लोब है, इन ईच लोब
दोबारा देखो, इन ईच लोब टू थीका मतलब टू माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है इन ईच लोब, सो दिस एंथर इज डाइथिकस। डाइथिकस क्यों कहे, ईच लोब ऑफ एंथर कंटेन द टू माइक्रोस्पोरेंजिया, एंड टोटल एंथर में कितनी माइक्रोस्पोरेंजिया होगी, 1 2 3 4, तो एंथर इज टेट्रास्पोरेंजिएट एंड डाइथिकस एंड बाइलोब, होगा कि नहीं होगा। तो ये अब देखो दिस लाइन, यू कैन सी दिस लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप, अगर अपन एंथर को ऐसे देखें, अगर एंथर को अपन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखें, देन यू कैन सी ए ग्रुप लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन टू थिका ऑफ ईच लूप, ए ग्रुप लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, दिस इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ डेहिसेंस और स्टोमियम। इसको क्या कहोगे आप, इसको ट्रांसफर सेक्शन में देखोगे तो आपको ऐसे दिखेगी, दिस इज कॉल्ड एज स्टोमियम और लाइन ऑफ डेहिसेंस। फैमिली मालवेसी की बात करें, तो दिस इज फिलामेंट एंड दिस इज एंथर। अब एंथर में टू लोब्स हैं, लेकिन ईच लोब इज कंटेन द ओनली वन स्पोरेंजिया, इस लोब में एक ही स्पोरेंजिया है, तो बताओ क्या हुआ, मोनोथिकस हुआ क्या नहीं हुआ, मोनोथिकस। एंड ओवरऑल कितनी माइक्रोस्पोरेंजिया है, टू माइक्रोस्पोरेंजिया आर प्रेजेंट, तो इट इज मोनोथिकस एंड बाइस्पोरेंजिएट, मोनोथिकस एंड बाइस्पोरेंजिएट एंथर प्रेजेंट इन द फैमिली मालवेसी। मोनोथिकस एंड बाइस्पोरेंजिएट एंथर इज प्रेजेंट इन द फैमिली मालवेसी। सर इसको बाइलोब भी कंसीडर करेंगे? हाँ, इट इज बाइलोब, है तो बाइलोब। कैसे, दिस इज वन लोब, दिस इज वन, दिस इज सेकंड, बट ईच लोब कंटेन ओनली वन पोलन सेक, ईच लोब कंटेन ओनली वन दिस पोलन सेक और माइक्रोस्पोरेंजिया, सो इट इज मोनोथिकस, होगा कि नहीं होगा, क्लासिफिकेशन ही अपना ऐसे। अब देखो, अब अपन स्टडी करेंगे, अब अपने कहा एंथर इज बाइलोब, लेकिन अगर बाइलोब एंड टेट्रास्पोरेंजिएट, व्हेन एंथर मैच्योर, जब एंथर मैच्योर होगा बेटा, तो दीज लेयर्स, द लेयर्स इन द वॉल ऑफ एंथर, दीज ब्रेक डाउन एंड इन ईच लोब ओनली वन स्पोरेंजिया इज प्रेजेंट, इन ईच लोब only one sporangia is present, now you can see the mature anther is bisporangiate, to aap niche star laga ke likho, the mature anther is not tetrasporangiate, it is bisporangiate, the mature anther is bisporangiate, because the microsporangia of the lobe, एक लोब के माइक्रोस्पोरेंजिया फ्यूज विद ईच अदर ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ लेयर्स, बीच की लेयर्स इंटरमीडिएट लेयर डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, एंड दीज माइक्रोस्पोरेंजिया ऑफ ईच लोब, टू माइक्रोस्पोरेंजिया ऑफ ईच लोब फ्रॉम द वन माइक्रोस्पोरेंजिया, सो टिपिक जो मेच्योर एंथर है दैट इज बाइस्पोरेंजिएट, एंड टिपिकल एंथर इज टेट्रास्पोरेंजिएट, बट मेच्योर एंथर इज बाइस्पोरेंजिएट। अब इस स्टोमियम से यहाँ वॉल ब्रेक होगी, यहाँ वॉल ब्रेक होगी, एंड दीज पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड, ये यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, तो ये इसी को कह रहे हैं अपन लाइन ऑफ डेहिसेंस और स्टोमियम, क्योंकि यहीं से पोलन ग्रेन रिलीज होंगे, यहीं से एंथर वॉल ब्रेक होगी और यहीं से पोलन ग्रेन रिलीज होके बाहर निकलेंगे।